Hello students, once again you are most welcome to your favorite YouTube channel US Classes. This is Vikram Rathore, your math teacher. और बेटा आज के session में हम लोग कुछ questions यहाँ पर करने वाले हैं. Basically वो questions हमारे जो based हैं, वो angles देखा हुआ है आपने यहाँ पर कि कुछ मैंने questions यहाँ पर लिखे हुए हैं. और इन questions का जो pattern है वो ये है कि हम angles जो है अगर unit radian है तो उन angles को degree unit में convert करेंगे, यानी radian into degree. और दूसरा है आपका डिग्री इंटू रेडियन, ठीक है ना. यानी एंगल्स को अगर रेडियन में दिए हुए हैं तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, और अगर डिग्री में दिए हुए हैं तो रेडियन में कन्वर्ट करना है. बट बच्चों उससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट सेशन नहीं देखा हुआ है जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें मैंने एंगल्स के बारे में आपसे डिस्कस किया हुआ, उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा. तो उस लेक्चर को कैरी फॉरवर्ड या आगे ले जाने से पहले, इसको देखने से पहले मैं चाहूंगा कि लास्ट सेशन को देखें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके जो है वो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना. तो चलिए अपने क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द डिग्री मेजर, यानी कि जो यहाँ पर एंगल दिए हुए उनको डिग्री में कन्वर्ट करना है करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स. बट उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है. तो एक नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है, वो नंबर क्या होता है इसको हम जानेंगे. तो यहां पर देखिए अगर डिग्री है, ठीक है ना, डिग्री यहां पर समझ लीजिए, डिग्री से आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यहां पर पाई रेडियन अपॉन 180 का मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना. और रेडियन से बेटा अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 180 डिग्री अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. यहां पर बच्चे जो है कई बार कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई उल्टा भी कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं. मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 का, और उन्होंने कर दिया 180 अपॉन पाई का, क्योंकि जब वो याद करते हैं तो चीजें कई बार उन्हें याद नहीं रहती है या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 180 अपॉन पाई या पाई अपॉन 180. अच्छा वो तो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा ही करूंगा बच्चों, बट उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई रेडियन लिखा हुआ है और 180 पर मैंने डिग्री नहीं लगाया, ठीक है ना. जब रेडियन है तो फिर 180 एक नंबर होगा हमारा, ठीक है ना, इसको आप ऐसे याद रखेंगे. और यहाँ पर क्या हुआ, जब डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 180 डिग्री है बट पाई रेडियन नहीं है, सिर्फ ये पाई है, ठीक है ना. इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, पहली चीज. दूसरी याद रखने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको. जैसे डिग्री की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा हुआ डिग्री मैंने 180 पर लगाया हुआ है, ठीक है ना. और रेडियन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं रेडियन मैंने पाई पर लगाया हुआ है. तो रेडियन की पहचान या आइडेंटिटी पाई से होती है, यानी पाई रेडियन, और डिग्री की पहचान 180 डिग्री यानी 180 या 180 डिग्री से होती है. ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना. बस याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ चीजें कैसे याद रखेंगे. तो अगर हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन, तो रेडियन की पहचान पाई से होती है, तो पाई को ऊपर रखेंगे, 180 को नीचे आएगा, ठीक है. ऐसे याद रख सकते हैं रेडियन, क्योंकि डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन को मैंने अभी बताया कि हम पाई से पहचानते हैं, पाई रेडियन, ठीक है ना. तो पाई ऊपर रहेगा, 180 नीचे आ जाएगा. लेकिन अगर इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री की पहचान किससे होती है बेटा, वो 180 से होती है. तो यहाँ पर 180 ऊपर रहेगा डिग्री में कन्वर्ट करते समय, और पाई जो है वो नीचे रहेगा. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं. और अगर इसके अलावा आपके पास कुछ बेहतर तरीका हो उसको याद रखने का तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, अल्टीमेटली आपको लर्न करना है यहाँ पर. अच्छा दूसरी चीज इन क्वेश्चन को करने से पहले, इन क्वेश्चन को तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि जैसे अगर मैं बोलूं 1 रेडियन, ठीक है ना, अगर मैंने आपसे बोला कि यार बताओ 60 डिग्री एंगल कितना होता है, जिसको आप बड़ी आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूं कि 60 डिग्री बताओ, तो बड़ी आसानी से आप एक अमाउंट बना देंगे, सर ये 60 डिग्री है, ठीक है. तो कई बच्चे कहेंगे सर ये 60 डिग्री नहीं भी हो सकता, आपने तो रैंडम बना दिया यहाँ पर. मैं एक अप्रोक्सीमेट एंगल की बात कर रहा हूँ कि इसी तरह से हमारे को एंगल बनेगा. आप इसको थोड़ी ना 60 डिग्री बोल दोगे, ठीक है, इसको थोड़ी ना 60 डिग्री बोल दो, क्योंकि ये 90 से बड़ा हम पहचानते हैं. यानी हमने जो एंगल फॉर्म किए हैं या फिर बनाए हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो एंगल्स के बनाए हैं, वो डिग्री में बनाए हैं, और वो हम पहचान भी लेते हैं कि हाँ यार ये लगभग इतना रहेगा, ये इतना रहेगा, इस तरह से हम पहचानते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ कि 60 डिग्री बोल सकते हो, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो आप बोलोगे यार ये अप्रोक्सीमेटली 30 होगा, 10 होगा, मतलब इस तरह से आप बोल सकते हो इसमें, ठीक है ना. मेरा जो कहने का मतलब उसको थोड़ा सा फील करिएगा, समझिएगा. अब इसको मैं 60 डिग्री बोलूं तो यहाँ पर आप बोलोगे नहीं सर ये 60 डिग्री नहीं हो सकता, ये मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है ना. कम से कम इसको इतना तो बोल ही सकते हो आप, 60 डिग्री नहीं बोल सकते सर, 90 डिग्री से लेस है ये, 90 डिग्री से मोर है, इतना तो पहचानते ही है. अगर आप एग्जैक्ट एंगल नहीं बता पा रहे, एग्जैक्ट मुझे बताना भी नहीं है बेसिकली, बट ये आइडिया है थोड़ा सा आपको, ठीक है ना. लेकिन अगर हम रेडियन की बात करें, अगर मैं बोलूं इसको कि यार ये एंगल 1 रेडियन है, तो आप कहोगे हो सकता है, ठीक है, पता नहीं आपको कोई आइडिया नहीं है. अगर मैं बोलूं यार ये एंगल 1 रेडियन है, आप बोलो सर हो सकता है, यानी रेडियन के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन आगे करने से पहले हम 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है ये फाइंड आउट करेंगे.
ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है जब 1 रेडियन में एंगल पता लग जाएगी और 1 रेडियन 3 डिग्री होता है, ठीक है। सपोज दैट जो भी होता है हम कैलकुलेट करेंगे उसको, तो अगर मैं कहूँगी ये 2 रेडियन एंगल बनाओ तो उसका डबल कर देंगे, 3 रेडियन एंगल बनाइए तो उसका ट्रिपल कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और नहीं लग जाएगा तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि मुझे फाइंड करना है यार 1 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, हम क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, यानी क्वेश्चन दे दिया मैंने, एक क्वेश्चन और बना दिया यहाँ पर इसके साथ साथ लिखा हुआ 1 रेडियन बताइए आप, ठीक है, 1 रेडियन। तो ये भी हम एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन का डिग्री में अमाउंट कितना होता है वो भी यहाँ पर हम लोग जानेंगे, ठीक है। बट उससे पहले ये क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं उसको हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बच्चों यहाँ पर उठाते हैं 7π, फर्स्ट क्वेश्चन 7π/12 रेडियन है, इसको भी किसमें कन्वर्ट करना, डिग्री में, तो 7π/12 तो है, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर वही कंफ्यूजन 180/π या π/180, तो डिग्री की पहचान किससे होती है, 180 से, तो 180 ऊपर रहेगा बच्चों, ठीक है ना, डिग्री हो गया ये और पाई नीचे आएगा, डिग्री 180 में लगेगा, पाई पे रेडियन नहीं लगेगा, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि डिग्री में जब कन्वर्ट कर रहे हो तो यूनिट डिग्री हो गई ना, फिर रेडियन का कोई रोल नहीं रहा यहाँ पर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। तो यहां से देखिए पाई से पाई ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये भी पाई रेडियन नहीं रहा, ये भी आपका रेडियन यहाँ पे छूट गया, रेडियन ही है, अंदर वाली वैल्यू लिखी हमने यहाँ पर 180/π का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 7/12 × 180, इसको बेटा 12 × 12 × 12 × 6 डिग्री चल रहा है आपका, और ये 7 × 6 = 42, 7 × 12 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 7π/12 radian = 112 degree होता है। तो आई थिंक ये बहुत आसान है, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं आप लोग उसको। सेकंड की अगर मैं बात करूं 3/4 radian अगर दिया हो, सेकंड 3/4 radian ये अगर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फिर से आ जाइए 3/4 × 180/π, ठीक है, ये आपका क्या आ गया यहाँ पर डिग्री। अब यहाँ पर तो पाई से पाई कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। पहले तो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20, तो फाइनली 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, पहले अभी मल्टीप्लाई मत करिए यहाँ पर, यहाँ पर ये पाई है, पाई रेडियन नहीं है, तो पाई के प्लेस पर 22/7 लिख सकते हैं, 22/7 लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये फाइनली आ रहा है, कोई कैंसिलेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/7 = 21, 21 और 45 का मल्टीप्लाई करना है, 5, 4, 2, 5 = 10 और 2, 2 = 8, 1, 9, तो आई थिंक 9, 4, 5 हो गया है, और ठीक है कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा 9, 4, 5 / 22 degree। अब इसको सिर्फ यहाँ पर भी छोड़ना है बेटा, ठीक है, इसको अभी हमें डिवाइड भी करना है, ये डिवाइड जो है वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि किस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर क्या था, यहाँ तो फ्रैक्शन में कोई नंबर ही नहीं था, यहाँ पर डायरेक्ट आपको 112 मिल गया था, तो 112 डिग्री आपका फाइनल आंसर आ गया था, बट यहाँ पर क्या हुआ 9/45 / 22 degree आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 9/45 / 22 से। अब उसका पैटर्न क्या, कैसे डिवाइड करते हैं, जो हमारा डिवाइड करने का पैटर्न है बस वही है, ठीक है, थोड़ी सी चीजें हमारी यहाँ पर चेंज होगी, वो कैसे होगी वो आप देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं स्पेस थोड़ा सा ले लेता हूँ, 22 को 9/4 / 5, ठीक है ना बच्चों, यहाँ से तो 22 को 94 में करेंगे, आई थिंक 4 times चला जाएगा यहाँ पर, तो 88 आ गई है, और 4 6 हो गया, 6 ही बचा आपका 5, फिर 22 3 का ज्यादा हो जाएगा, 22 2 = 44, तो आई थिंक 21 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। ये यहाँ पर समझ सकते हैं ये क्या है, डिग्री है 9/45, ठीक है, अभी क्या है यहाँ पर डिग्री है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो भी हमारा क्या होगा, डिग्री, यानी ये बेटा कितना बन गया 42 डिग्री बन गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये कितना हुआ 21 डिग्री हुआ, ठीक है ना, 21 डिग्री, ये सब कुछ डिग्री में चल रहा है, ठीक है, मतलब ये डिग्री है, तो ये भी डिग्री आ गई, ये भी डिग्री आ गई, सीआई की सारी वैल्यू जो है वो डिग्री है। यहाँ पर ये 21 रिमाइंडर है, हम डेसिमल में नहीं निकालते क्योंकि हम डिग्री से भी छोटी यूनिट एक जानते हैं, वो क्या होती है मिनट, ठीक है ना, तो जो 21 डिग्री बना हुआ है इसको हम पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज वी नो दैट 1 degree = कितना होता है 60 मिनट होता है, ठीक है, तो अगर हम इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा, ये मिनट बन जाएगा, यानी 0, 6 × 6, 6 × 12, यानी इतना मिनट आ गया। अब हम फिर उसको 22 से डिवाइड करते हैं, यानी जो 21 रिमाइंडर था उसको हमने 60 में का मल्टीप्लाई कर लिया, बिकॉज यहाँ पे 21 जो है वो डिग्री में था, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया 60 का मल्टीप्लाई करके। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम डिग्री से छोटी यूनिट जानते हैं, ठीक है ना, मिनट, और मिनट से भी छोटी यूनिट जानते हैं सेकंड, तो हम इसको मिनट में करेंगे फिर, या तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता फिर से रिमाइंडर अगर बचता है तो उस रिमाइंडर को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे, ठीक है ना, फिर सेकंड से छोटी यूनिट तो अभी हमें पता नहीं है, तो बस वही फाइनल आंसर होगा वहां पर जो हम करेंगे, यानी कि लास्ट जो सेकंड्स में हमारा जो डिवीजन होगा उसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर देंगे अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसको डेसिमल में नहीं कर रहे हैं,
ठीक है ना, 21 के बाद ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर डेसिमल लगाया हो, जीरो में इसको मतलब जीरो एक्सटेंड करके या बढ़ाकर फिर उसको डिवीजन कराओ, ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि इससे छोटी हमें यूनिट जो है वो पता है, ठीक है ना, एंगल की। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर 22 हुआ, अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे बच्चों 126 से, तो आई थिंक 5 टाइम चला जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 और यहाँ पे 16 जीरो, फिर हम यहाँ पर 22 से अगर हम करते हैं तो आई थिंक 7 टाइम जाएगा, ये 7 टू 14 और 115, ठीक है ना, तो ये 6 यहाँ पर ये बच गया बेटा, ये देखिए आप जरा यहाँ पर ये कितना आ गया यहाँ पर, इसको हम तो बॉक्स में बंद कर देते, ये मिनट आ गया यहाँ पर और ये भी मिनट है, ठीक है ना, ये भी मिनट है। अब मिनट से भी छोटी हमें यूनिट पता है सेकंड, मिनट से भी छोटी यूनिट हमें क्या पता है, वो सेकंड पता है, ठीक है ना, तो वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पर बेटा स्पेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर एरेंज कर ले रहा हूं, आप अगर चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके बेटा नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप 6 यहाँ पर क्या मिनट है, इसमें फिर से हमने 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ये 360 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकंड, और 22 से उसको करेंगे हम कैलकुलेट, तो 22 से डिवाइड हमेशा 22 से ही होगा, देखिए यहाँ भी 22 से किया, यहाँ पे 22 से किया हुआ, वो डिवाइड 22 से, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो 22 बेटा, ठीक है, 8 और 6 14 और 0, यहाँ से आई थिंक 6 टाइम्स ये चला जाएगा, 6 टू 12 और 13 ये 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसमें डेसिमल लगा सकते हैं, इसमें डेसिमल लगा के जीरो बढ़ा लिया, क्योंकि सेकंड से छोटी यूनिट हमें नहीं पता है एंगल की, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लेते हैं और आई थिंक 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 66 और ये 14 आई थिंक बच जाएगा यहाँ पर, इससे ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये यहाँ पर क्या आ गया सेकंड आ गया, ठीक है ना। तो फाइनल यहाँ पर आप देख सकते हैं 42 डिग्री है, 57 मिनट है और ये 16.3 आपका क्या है सेकंड है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे अपना, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, ये तो कैलकुलेशन हमारी चली रही है, ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन जो है वो हम किसकी कर रहे हैं, 3/4 यहाँ पर देखिए 3/4 रेडियन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, और कैलकुलेशन करके हमारा जो फाइनल रेट बना है बेटा, वो आपने देखा था यहाँ पे इसके बाद ये बना था हमारा रेट, और इसको जब हमने डिवाइड किया था तो ये रेट हमें मिला है, तो फाइनल आंसर हम जब लिखेंगे इसका, तो 42 डिग्री 57 मिनट और 16.3 सेकंड, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा इस, ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं कहूंगा कि वीडियो को रिवाइंड करिए आप लोग और फिर से इसको एक बार चेक करिए। अब बेटा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है -2 रेडियन, तो माइनस अगर दिया हुआ है तो माइनस से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 2 रेडियन है, और अभी मैंने आपसे कहा भी था कि हम 1 रेडियन को भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 2 रेडियन और 1 रेडियन का जो कॉन्सेप्ट है कन्वर्ट करने वाला डिग्री में वो सेम है आपका, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद 1 रेडियन भी बेटा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि 1 रेडियन को अगर हम डिग्री में करते हैं तो क्या वैल्यू हमें मिलने वाली है। चलिए थर्ड पार्ट आपका -2 रेडियन, ठीक है ना, तो माइनस क्या है, माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, माइनस तो आपको डायरेक्शन को शो करता है, ये जो 2 रेडियन जो वैल्यू होगी अमाउंट होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, अगर इनिशियल रे हमारी ये है सपोज दैट, तो हमारा जो 2 रेडियन एंगल बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा सपोज दैट इस तरह से, ठीक है ना, ये डायरेक्शन होगा हमारा, ये अगर इनिशियल रे है तो, ठीक है ना, इसका भी आपको ध्यान रखना है, तो माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, वो लिखा रहने दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, बेसिकली अमाउंट जो है वो, ठीक है ना, 2 रेडियन इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो माइनस चल रहा है बाहर, 2 तो 2 है, ठीक है ना, और डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/π डिग्री, यहाँ अंदर भी लगा सकते हैं या फिर बाहर लगा देंगे, एक ही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो माइनस को माइनस है, 2 × 180/22 और 7 बेटा इस तरह से बन जाएगा, ये डिग्री बाहर लगा दिया या अंदर लगा दिया कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, यहाँ से 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमें बनेगा यहाँ पर मिलेगा माइनस देखिए बच्चों यहाँ पर 11 फिर से आ जाएगा 50 और 11 × 4 = 44, ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 6, ये डिग्री हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डिग्री है 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमने लास्ट में किया था, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, 60 का जैसे ही मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पर
है, इसको भी ध्यान रखना 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम फिर से 11 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन इधर कर लेता हूं, 11 360 मिनट, ये देखिए यहां पर 11 3 का 33 30 और 11 2 का 22 बेटा, ठीक है। यहां पर 8 फिर बच गया, ये मिनट आ गया यहां पर, फिर से इसमें 60 का बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब स्पेस नहीं है इसलिए इसी कैलकुलेशन को इधर आपको शो ऑफ करके दिखा देता हूं, ठीक है। सेकंड 11 11 4 का बेटा 44 40, 11 3 का 33, कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, 7 डेसिमल लगाया 0, 11 6 का 66, ठीक है ना, 4। तो ये आपको फाइनली क्या बन गया, सेकंड बन गया। तो फाइनल रेट हमारा जो आएगा यहां से आप देख सकते हैं कि -2 रेडियन इक्वल टू, ठीक है ना, तो यहां पर पहला था 114 डिग्री, तो 114 डिग्री, ठीक है। फिर सेकंड जो डिवीजन था उसमें 32 ये, और थर्ड जो रिजल्ट था हमारा ये यहां पर 43.6, ठीक है, ये रहेगा यहां, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। माइनस और लगाना है, ध्यान रखना है माइनस और अप्लाई करना है यहाँ पर बच्चों, ठीक है, माइनस तो रहेगा ही है। तो ये हमने क्या कर दिया, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री से छोड़ मिनट और सेकंड उसमें भी कन्वर्ट हो गया, अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। तो आई थिंक यहाँ पर चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी, अगर इसी को हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, जो कि अभी हम करेंगे भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं अप्रोक्सीमेटली, मिनट और सेकंड तो बहुत छोटी यूनिट होती है, तो 2 × 5 = 10 = 57 डिग्री आएगा। अगर इसी को अगर हमें कैलकुलेट करना हो, क्योंकि ये हम कर तो चुके हैं, ठीक है ना, तो 1 रेडियन का अगर हम प्रोसीजर करना चाहें तो वही प्रोसीजर है जैसे 2 रेडियन का प्रोसीजर हमने किया था अभी इनटू डिग्री कन्वर्ट करने का, 1 रेडियन का भी अगर हम करते हैं तो इसी तरह से कर सकते हैं। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली यहां पे बता सकता हूं कि यहां से अगर ये 2 रेडियन है, ठीक है ना, ये वैल्यू 2 रेडियन की है, तो 1 रेडियन की जो वैल्यू आएगी वो 57 डिग्री के अप्रोक्स आएगी, अगर हम इसको छोड़ भी दें, ठीक है ना। और अगर करते हैं इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली, तो यानी कि अगर ये बहुत छोटी यूनिट है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे, तो हम बोल सकते हैं 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के अराउंड होता है, ठीक है ना, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री, ये भी हम बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि यार ये वाला एंगल हमारा, सपोज दैट ये वाला एंगल 1 रेडियन एंगल है, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 रेडियन 57 डिग्री होता है और ये 90 से बड़ा एंगल है, तो डेफिनेटली ये 1 रेडियन एंगल हमारा नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक अब 1 रेडियन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 2 रेडियन यहां पर कर लिया है, तो 1 रेडियन आप खुद से भी कर सकते हैं होमवर्क में क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। और अगर चाहे तो मैंने यहां पर अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर बता दिया कि इस तरह का आंसर बनेगा आपका, डिवाइड कन्वर्ट करते हैं अगर, तो यहां पर तो ये क्या हुआ बेटा, रेडियन इंटू डिग्री हुआ, ठीक है। अगर डिग्री इंटू रेडियन करना है ये बहुत आसान है, एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पर पाई की वैल्यू जब हम 22/7 रखते हैं तो जो डिग्री में फ्रैक्शन बन जाता है आपका, ठीक है ना, और फिर उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन अगर हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं अपना फाइनल, मतलब रेडियन का आंसर पाई के टर्म्स में ही आएगा, ठीक है ना, पाई में ही रखना है उसको, तो पाई की वैल्यू 22/7 हम नहीं रखते, क्योंकि वहां पर रेडियन जो होता है वो पाई रेडियन होता है, यहां पर जो होता है डिग्री में जो पाई होता है बेटा, ठीक है ना, अभी मैंने इरेज कर दिया है, वहां पर जो पाई होता है उस पर रेडियन नहीं लगा होता, तो वहां पर हमें 22/7 रखना पड़ता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहां पर, देखिए जरा बेटा ये वाले क्वेश्चंस, नंबर 1 जैसे क्वेश्चन सेकंड की बात कर रहा हूं, इसका फर्स्ट 15 डिग्री, अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है इंटू रेडियन, तो रेडियन की आइडेंटिटी पाई होता है, तो पाई ऊपर रहेगा 180 नीचे आएगा, ठीक है ना, तो 15 से अगर कैंसिल हो रहा है 15 में 15 और 15 टू 30, तो यहां पर पाई अपॉन 12 रेडियन बोल सकते हैं, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर पाई को हम 12 से डिवाइड करें, नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसे तो करेंगे नहीं कि पाई यहां देख लिए और ये तो डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पाई को हम हटा भी नहीं सकते क्योंकि रेडियन जो है वो पाई के टर्म्स में पहुंचाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बेसिकली पाई क्या होता है, अगर हम इस एंगल की बात करें तो पाई हमारा क्या होता है, ये एंगल जो होता है इसको पाई बोलते हैं, ठीक है ना, पाई। अब पाई अपॉन 12 एंगल कितना होगा हमारा, अगर हम इसको 12 इक्वल पार्ट में बेटा डिवाइड कर देते हैं, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मान लो ये सब हो जाए इस तरह से बन गए, तो ये 1 जो पार्ट होता है ये पाई अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक है ना, ये इस तरह से।
रेडियन को हम पाई में ही रखते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। रेडियन बेटा क्या है, वो पाई में ही रहेगा, हम पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखते, लेकिन अगर डिग्री में पाई है ठीक है तो वहां पर 22/7 रखते हैं। जो मैंने कैलकुलेशन का प्रोसीजर बताया बेटा, उस तरीके से हम कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत आसान है, मैंने वही बोला आपसे कि रेडियन में कन्वर्ट करना आसान है। अगर हम सेकंड वाली की बात करते हैं, सिमिलर प्रोसीजर से कर सकते हैं, 240 डिग्री अगर दिया हुआ तो 240 × π/180 इस तरह से कर सकते हैं। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 × 3 = 6 × 4 = 4 तो ये आपका 4π/3 ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, बहुत आसान है। थर्ड वाले की पार्ट का अगर हम कर लेते हैं, माइनस से फिर मैंने कहा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, माइनस को माइनस रह गए, लेकिन हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था, लेकिन यहां पर तो मिनट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। तो 37 डिग्री, तो 37 डिग्री है ही, ठीक है, प्लस 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30/60, ठीक है, ये 37 तो डिग्री में ही, 30 मिनट को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो किसमें, किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। कैसे, जैसे अगर हम बात करें तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है ना, या फिर 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि हमें मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मिनट को इधर लिखी है, डिग्री को इधर लिखी है, ठीक है। तो अगर हम 1 मिनट की अगर हम बात करें तो 1/60 डिग्री हो जाएगा बेटा, यानी कि मिनट को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/60 का मल्टीप्लाई या फिर 60 का डिवाइड, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो वही मैंने यहां पर किया हुआ कि 1/2 बन जाएगा, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो −2/7 = 14 और 2/3 = 6 और 1/7 = 75/2 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका डिग्री ये बनेगा −75/2 डिग्री, अभी डिग्री में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं कि ये प्लस क्यों लगा लिया, ठीक है ना, प्लस क्यों लगा लिया, तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 37 डिग्री माइनस को है आपका बेटा, और 30 मिनट को 1/2 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इसका भी तो तरीका वही होता है, इसको आप ऐसे भी लिखोगे, माइनस तो चल रहेगा, 74 + 1/2 ऐसे भी लिखा जाता है, यस और नो, चाहे बाहर लगा ले डिग्री, अंदर लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों की डिग्री हम बाहर कर लेते हैं, चलिए टू से मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ फिर प्लस वन ऐसे लिखा जाता है। तो ये अगर हम इसको सेपरेट करें, अगर हम इसको सेपरेट करें तो ये 37 माइनस को बाहर चली जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अगर हम सेपरेट करें तो यही तो बनेगा आपका, देखिए जरा, तो यही तो मैंने लिखा हुआ, देखिए जरा यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा नहीं समझिएगा कि सर यहाँ पर तो कुछ भी साइन नहीं लगा हुआ था, आपने प्लस में कैसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इसको बोलते हैं 37 डिग्री एंड 30 मिनट, ऐसे मतलब बोला जाता है, प्लस हो जाता है ये अमाउंट इसके साथ, तो वही मैंने यहाँ पर करा हुआ है। खैर अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर ये कंप्लीटली ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है ना, क्यों किया, क्योंकि हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पर क्या था, मिनट भी था, तो मिनट को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, जो भी प्रोसीजर हमने फॉलो किया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर बच्चों फिर से माइनस बाहर आ रहा, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 15 से कैंसिल कर सकते हैं, 15 × 5 = 15, इससे ज्यादा कैंसिल नहीं होगा, बाहर फाइव है मतलब माइनस है, 5 का पाई के साथ 5π रेडियन, और ये बेटा 20, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, जो कि आपने बड़ी आसानी से समझ लिए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। और ये भी कहूंगा आपसे कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन कम समझ में आया, ये रिकॉर्डेड सेशन है आपके पास बेटा, वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा से देखिए जाके चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू। और बेटा एक बात और कहना चाहूंगा बच्चों, कि अगर आपको लगा होगा, लगा है कि ये वीडियो अच्छा बना हुआ है, ठीक है, टीचर ने आपकी मेहनत करी है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक, मतलब जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।